हेलो दोस्तों, हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्लपूल का 235 लीटर का डबल डोर रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर में क्या क्या फीचर हैं, 2022 के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं डबल डोर में, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस रेफ्रिजरेटर की बात करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से है। पहले ये जो रेफ्रिजरेटर आता था वो आता था 265 लीटर की ग्रॉस वॉल्यूम के साथ, लेकिन अब जो 2023 में हो गया है, अब हो गया है कि ये 235 लीटर टोटल वॉल्यूम के साथ ये रेफ्रिजरेटर आता है। मैं बताऊंगा आपको आगे कि क्यों हुआ। ये जो पैनल था पहले, ये पैनल कुछ वर्लपूल का इस टाइप में आता था और इसके नीचे क्रोम दे दिया है ताकि और आपका रेफ्रिजरेटर प्यारा लगे कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी स्टार रेटिंग। ये जो आता है 2-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो आपके 265 यूनिट पूरे साल में लाइट कंज्यूम करता है। और पहले क्या था, 2022 में यहाँ पे दो वॉल्यूम आते थे, स्टोरेज वॉल्यूम और ग्रॉस वॉल्यूम। तो अब उन दोनों को हटाकर सिर्फ टोटल वॉल्यूम आती है, तो ये टोटल वॉल्यूम है 235 लीटर। बारकोड आपका ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का है, ये गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें अगर आप इसे स्कैन करोगे तो इसमें आएगा कि ये कितने लीटर का है और कितनी लाइट ले रहा है, वो सब आएगा। वारंटी की बात करें, रेफ्रिजरेटर 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी के साथ है और 10 ईयर इसमें कंप्रेशर की वारंटी मिलती है। और साथ ही साथ इसके जो कंप्रेशर की लाइफ है वो 25 साल की है, 25 साल टेस्टेड बाय वीडी में कंप्रेशर चेक होते हैं सब सारे ब्रांड्स के। तो वर्लपूल की जो कंप्रेशर की लाइफ है वो है 25 साल की। इंटेलिजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ ये रेफ्रिजरेटर आता है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, 115 वॉट से 205 वॉट तक अगर आपके घर में लाइट नीचे जा रही ऊपर जा रही तो आपको इसके अंदर स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ ये रेफ्रिजरेटर आपका ऑटो कनेक्ट टू होम इन्वर्टर है। अब मैं आपको इसके फ्रीजर का इंटीरियर दिखाता हूँ। साइड से इसका वो दे रखा है आपको खोलने के लिए ताकि अच्छा लगे, बाहर की वो ख़राब ना हो। इसमें जो चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, पहले यहाँ पे आपने देखा होगा आइस क्यूब का होता था, यहाँ पे आइसक्रीम ट्रे होती थी, लेकिन अब उसे हटा दिया है। और इसमें जो आइस क्यूब ट्विस्टर दे रखा है वो पोर्टेबल दे रखा है ताकि आप उसको निकाल कर कहीं पर भी ले जा सकें कैरी कर, क्योंकि कभी हम गार्डन में बैठे हैं बार बार आइस क्यूब निकाल नहीं सकते, तो आप उसमें पूरा बॉक्स एक साथ ले जा सकते हैं, अपना कैरी करके गार्डन में बैठ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कूल पैड दे दिया है पूरा, यह आपके फ्रिज में जो ठंडक है लाइट जाने के बाद और ज़्यादा रिटेन करेगा। और साथ ही साथ इसमें आपको वही 4 मोड दे रखे हैं कि भैया मिनी फ्रीज, नॉर्मल, डीप फ्रीजर, समर चिल। ज़्यादा गर्मी में समर चिल पे आप कर देंगे। डीप फ्रीजर टेक्नोलॉजी इसकी मेन होती है। इसका जो फ्रीज़र होता है वो डीप में होता है ताकि आपकी जो कूलिंग रहे अंदर मेंटेन रहे। आप इस पर सामान रख सकते हैं और मूवेबल आप आइस ट्विस्टर है वो आपका वेजिटेबल बॉक्स में रखा हुआ है अभी, तो आप उसको यहाँ पर रखें, जमाएं, कहीं पर भी ले जाना है आप उसको अपना ले जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अपना फ्रोजन फूड रख सकते हैं, कोई भी एनीथिंग जो आपको यहाँ रखना है आप रख सकते हैं। गैस किट आपकी वॉशेबल होती है, मूवेबल, रिमूवेबल होती है, तो आप इसको निकाल सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, साफ़ करके फिर लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ज़्यादा खुलने बंद होने से इसकी थिकनेस कम हो जाती है, तो आप इसको निकाल के साफ करके लगा सकते हैं। ये तो बात हो गई फ्रीजर की, अब मैं आपको इसका फ्रिज दिखाता हूँ। फ्रिज में आप देखेंगे इसमें आपको इंटेलीफ्रेश एवरीडे मिल रहा है ऊपर की साइड, ताकि आप इसमें दूध के पैकेट वगैरह रख सकते हैं जिन्हें कूलिंग ज़्यादा चाहिए होती है। और साथ ही साथ इसमें आप देख रहे होंगे इसमें नोब नहीं है नीचे, इसमें यहाँ चेंजेस करके यहाँ पर आपका कर दिया है, यहाँ पर भी आपको डीप फ्रीजर दे दिया है और अपने हिसाब से आप इसमें डीप फ्रीजर कर सकते हो या अपने हिसाब से आप मैनुअल टेम्परेचर भी लो, मीडियम, हाई पर सेट कर सकते हो, नहीं तो आप इसे ऑटो पर भी कर सकते हो, ये अपना सेंस करके पूरा कूलिंग कर देगा। साथ ही साथ इसमें आप देख रहे हैं वेंट्स, हर टफन ग्लास शेल्फ के अलग अलग वेंट्स हैं ताकि आपका जो सामान है वो डायरेक्ट उस पर हवा पड़े ठंडी और जल्दी से जल्दी ठंडा आपका सामान करे और ख़राब ना करे। और इसके अंदर आपको एक्टिव डियो भी मिलेगा, एक्टिव डियो आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर के एनवायरनमेंट को अच्छा रखता है और आउटडोर फ्री रखता है। साथ ही साथ आपके इस रेफ्रिजरेटर में मॉइस्चर कंट्रोल टेक्नोलॉजी दे रखी है ताकि आपके सब्जियों में मॉइस्चर ना बने और नमी बरकरार रहे। पोर्टेबल आइस ट्विस्टर की मैं बात कर रहा था वो यहाँ रखा हुआ है, आप इसे जब परचेज करेंगे तो आप अपने फ्रीजर में रखेंगे, कहीं ले जाना तो आप इसे निकाल कर
कहीं पर भी ले जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैनुअल मिल रखा है, वारंटी कार्ड है अंदर रखा हुआ। और डोर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको बिग बॉटल रैक, स्मॉल बॉटल रैक, और यहाँ इजी रैक में आप एग रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं जो आपको रखना है। यहाँ पर मसाले होते हैं, कुछ भी सामान होता है आप यहाँ रख सकते हैं। और गैस्केट वॉशेबल होती है और कैरी करने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से आपका डोर लॉक है ईजी बिल्कुल दोनों साइड, ताकि ये अच्छा दिखे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।